50 जो है एक्टिव केस चल रहे हैं, 13 टोटल केस आए थे जिसमें से 3 जो केस थे वो हीट हो गए थे। और कल ही जो 5 जवान हैं आईटीबीपी के वो पॉजिटिव आए हैं, उसमें आईटीबीपी की बाहर से हंदवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर से मूवमेंट थी जिसमें जितने भी लोग बाहर से आए गए थे उनके सैंपल लिए गए थे और उसमें से 5 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इन 5 में से 4 जो लोग हैं वो उनकी मूवमेंट हंदवाड़ा से है और 1 जो जवान है वो रायपुर से जो है वो ऑन ट्रांसफर यहाँ पर आया था। लेकिन सारे के सारे जो जवान थे जो बाहर से आए थे उनको आईटीबीपी ने है अपने कैंपस के अंदर ही ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा हुआ था। इसके अलावा अब चूंकि ये 5 लोग पॉजिटिव आए हैं तो आईटीबीपी का जो कैंपस है उसको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, एक्सेप्ट फॉर उनकी जो सर्विस एक्सीजेंसीज हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनका कोई मूवमेंट होता है या उनकी एसेंशियल सर्विसेज जैसे राशन, मेडिकल इमरजेंसीज ये इत्यादि जो आती हैं, उसके अलावा उनकी कोई भी अनऑथराइज मूवमेंट जो है सिविल में वो नहीं होगी। इसके साथ ही उनको ये कहा गया है कि वो जितने भी अपने एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स, ई पॉइंट्स हैं उनके कैंपस के उसके ऊपर हमारी पुलिस की और आईटीबीपी दोनों की निगरानी रहेगी ताकि कोई भी आईटीबीपी का व्यक्ति बाहर ना आ सके, सिविल पॉपुलेशन से उसका कांटेक्ट ना हो और कोई भी सिविल का आदमी जो है वो आईटीबीपी के कैंपस में किसी से भी